हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न काइंड्स ऑफ नाउन। मतलब आज हम नाउन के प्रकार जानेंगे। टोटल नाउन के प्रकार होते हैं 5: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन दैट मीन्स द नाउन दे आर यूज ओनली फॉर स्पेशल पर्सन। स्पेशल लोगों के लिए जब हम यूज़ करते हैं, स्पेशल पर्सन या स्पेशल प्लेस, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम जो नाम यूज़ करते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि यहाँ पर मुंबई, मुंबई एक पर्टिकुलर प्लेस है। राम एक पर्टिकुलर व्यक्ति है। जापान, दिल्ली, पूनम, ये एक पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे कि आपका नाम, आपका जो भी नाम है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैंने अगर बोल दिया बॉय, गर्ल, मदर, तो ये क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। ये हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल रहेगा। दे बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? दे द नाउन आर नॉट यूज फॉर स्पेशल पर्सन और स्पेशल प्लेस। किसी स्पेशल पर्सन के लिए जो नाम यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि बॉय, गर्ल। अब गर्ल, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, कोई एक पर्टिकुलर गर्ल तो है नहीं। गर्ल अपन बहुत सारी लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं। हम जो भी लड़कियाँ होती हैं सबको गर्ल बोलते हैं। बॉय, जो भी लड़के होते हैं उनके लिए हम बॉय यूज़ करते हैं। कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज होंगी तो उसका नाम पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, ऐसा नहीं लिखा इंडिया। अगर इंडिया होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन ओनली कंट्री लिखा होगा तो क्या होगा? कॉमन नाउन। डॉक्टर, अब डॉक्टर दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर होंगे, पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, इसलिए ये क्या होगा? कॉमन नाउन। दे कैन बी यूज फॉर एनी पर्सन और प्लेस, किसी भी पर्सन और प्लेस के लिए यूज़ कर सकते हैं कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में सबसे बिग डिफरेंस क्या है कि जो प्रॉपर नाउन रहता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, और कॉमन नाउन किसी भी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस के लिए नहीं किया जाता है। कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि मुंबई, राम, जापान, जंतर मंतर, जेके पुरम, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन के लिए हैं। बॉय, गर्ल, सिटी, मिल, स्ट्रीट, कंट्री, ये क्या है? कॉमन नाउन। अब देखिए, जैसे यहाँ अमिताभ बच्चन लिखा है, ये रॉन्ग है। है तो ये प्रॉपर नाउन, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है। आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है, कैपिटल होगा तभी वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको अलग अलग प्रॉपर और कॉमन नाउन में उसको डिफ्रेंशिएट करना है, कौन सा प्रॉपर है और कौन सा कॉमन है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या होगा? पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन, लेकिन इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा है तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। राजस्थान, ये भी पर्टिकुलर सिटी का नाम है तो ये आर इसमें कैपिटल लिखेंगे तो ये प्रॉपर नाउन होगा। बुक, अब बुक में कुछ भी, कोई भी बुक हो सकती है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, तो बुक कॉमन नाउन होगा। इस तरह आपको अलग अलग एक्सरसाइज करके और इसकी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की प्रैक्टिस करनी है। हु एम आई, राइट द कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नाउन बताना है। आई एम अ राउंड एंड ब्राउन वेजिटेबल, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये क्या है? पोटैटो, तो आपको पोटैटो लिखना है तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन। इसमें सारे आंसर जो हैं वो आपके कॉमन नाउन होंगे। इस तरह से आप अलग अलग एक्सरसाइज के जरिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि द मदर स्पीक्स टू हर चिल्ड्रन, अब आपको इसमें पता है कि मदर कोई भी मदर हो सकती है, चिल्ड्रन भी बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन। दे आर टू डोर इन द रूम, तो डोर्स, रूम, ये भी क्या है? कॉमन नाउन। वी लिव इन इंडिया, इंडिया क्या है? अब प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंडिया पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। इस तरह कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के अलावा जो एक नाउन और है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें किसी पर्टिकुलर एक पूरी बैच का नाम दिया जाता है, जैसे कि अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की पूरी टोली, पूरी गैंग, तो गैंग क्या है? यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो आर्मी क्या है इसमें?
कलेक्टिव नाउन. अब बुके ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बुके. तो गैंग क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ थीव. बहुत सारे चोर होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग. आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारी जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, तो वो क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन. बंच, बंच यानी बहुत सारी चीज़ों का बंच, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ कीस, तो ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन. तो आई होप आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.